अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही टेस्टी टी केक, जो कि 2 मिनट में रेडी हो जाएंगे। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो टी कप बनाने के लिए हमें चाहिए, मैदा लिया है मैंने यहाँ पे 2 कप, 1 कप शुगर ली है जिसको मैंने बारीक पीस लिया है, तकरीबन हाफ से ज़्यादा कप मैंने ऑयल लिया है, कस्टर्ड पाउडर लिया है 3 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा लिया है 1 टीस्पून, 2 अदद अंडे लिए हैं और वनीला एसेंस लिया है। तो अंडों को हमने तोड़ लिया है, अब मैं इसको बीट कर लूँगी। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। अंडे अच्छी तरह से बीट हो गए हैं, अब मैं इसमें पाउडर शुगर ऐड करूंगी। साथ ही इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। तो अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है, अब मैं मैदे में बेकिंग सोडा डालूंगी, कस्टर्ड पाउडर डाल दूंगी, बेकिंग पाउडर, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैदा में थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती जाऊंगी, उसको बीट करती जाऊंगी। तो मैदा मैंने सारा ऐड कर दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं वनीला आइसिंग डाल दूंगी। तो वीवर्स, हमारा बैटर तैयार हो गया है, आइए अब केक बनाना शुरू करते हैं। अब मैं सैंडविच मेकर लूंगी, इसको मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर लूंगी। आपने इसको चारों साइडों से ग्रीस करना है। अब इसमें अपना अमेजा भरते हैं। तो व्यूवर्स, मैंने केक का बैटर इसमें भर लिया है, अब मैं इसको बंद कर दूंगी। तकरीबन ये 1 से 2 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स देखिए, टी केक रेडी हैं, ये तकरीबन 2 मिनट में बन गए हैं। अगर आप भी इसको सैंडविच मेकर में बनाएंगे तो ऐसे ही जल्दी रेडी होंगे। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखें कितनी आसानी से टूट नहीं है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।